इस एग्जाम्पल में फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट मासेस m1 एंड m2 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम. So we have to find the moment of inertia about this axis. This axis is passing through their center of mass and perpendicular to the line joining them. Distance between the particles is given as r. So again discrete particle system में बस हमें जो चाहिए वो कि एक्सिस से particles का individual perpendicular distance क्या है. तो particle का ये जो system है वो इस axis के about घूम रहा है और हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस चाहिए. तो ये डिस्टेंस मैं इसको r1 अज्यूम करता हूँ और सपोज़ ये डिस्टेंस है r2. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और इसमें अब जो चाहिए वो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 सेंटर ऑफ मास से a का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से b का डिस्टेंस. तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो डिस्टेंस को मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करता है. तो हमें ये सेंटर ऑफ मास के बारे में पता होना चाहिए कि ये सेंटर ऑफ मास इनके बीच का जो गैप है उसे इस रेशियो में डिवाइड करेगा r1 बाई r2 और ये मास का इन्वर्स रेशियो होगा. तो अगर मैं r1 लिख रहा हूँ तो ऊपर यहाँ पे m2 आएगा और यहाँ पर ये m1 आएगा. तो r1 और r2 का ये रेशियो होता है और यहाँ से हम इंडिविजुअली r1 r2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं रेशियो में डिवाइड करके. तो हमें इस टोटल डिस्टेंस r को इस रेशियो में डिवाइड करना है, उससे r1 आ जाएगा. तो r1 इज़ इक्वल टू ऊपर यहाँ m2 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा टोटल मास और ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल डिस्टेंस के साथ. इसी तरीके से r2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू r. तो सिंपली बस अब इस एक्सप्रेशन में r1 और r2 की जगह पे इनको रखना है और एक बार इनको पुट करने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल आंसर को मैं डायरेक्टली यहाँ लिखने जा रहा हूँ. तो दिस आंसर विल बी m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर. इस आंसर को हम कई बार इस फॉर्मेट में याद रख लेते हैं. दिस m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दिस इज़ रिगार्डेड एज म्यू एंड इट इज़ म्यू r स्क्वायर वेयर म्यू इज़ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. It is called reduced mass of system.